दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे काफी सारी आरजीबी एलईडी है। ये पूरा डिब्बा हमारा आरजीबी एलईडी से भरा हुआ है और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड इसी आरजीबी एलईडी का यूज करके हम एक हैप्पी दिवाली लाइट बनाने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड कि भाई दिवाली कुछ दिन में आने वाली है, तो इसकी तैयारी हमें पहले से करके रखनी पड़ती है। तो आज हम एक हैप्पी दिवाली लाइट बनाएंगे, वो भी इस आरजीबी एलईडी का यूज करके। तो देखिए कैसे बनाना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे एक ये टाइल ली है। अगर आपके पास टाइल ना हो तो आप इस टाइप का कोई कांच भी ले सकते हो। और इसके ऊपर देखिए मैंने एक यहाँ पे लाइनिंग मार दी है, ठीक है, ये मैंने मार्कर से लाइनिंग मारी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ऑयल लेना है। आप सरसों ऑयल ले सकते हो या फिर नारियल का तेल ले सकते हो, जो भी आपके पास हो वो आपको ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से तेल को ऐसे गिरा देंगे और गिराने के बाद फिर यहाँ पे इसे हमें अच्छे तरीके से फैला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे अच्छे से फैला देना है, जहाँ तक हमने लाइनिंग मारी है वहाँ तक हम इसे ऐसे अच्छे तरीके से फैलाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इसे अच्छे से नहीं फैलाओगे तो फिर ये जो लाइट है ये हमारी नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको पूरे टाइल के ऊपर फैला देता हूँ, जहाँ तक हमने निशान मारा है। ये देखिए इस तरीके से हमें ये काम कर लेना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई आज सर क्या बता रहे हैं ये तेल वगैरह लगा के, लेकिन देखना फ्रेंड कि ये जो हम हैप्पी दिवाली लाइट बना रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल की लगने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम दिवाली के टाइम पे हैप्पी दिवाली वाली वो लेके आते हैं लड़ी वगैरह, जिसको हम गेट के या दरवाजे के ऊपर टांगते हैं, तो कुछ ऐसी ही ये लाइट बनेगी और ये हमारी मार्केट में मिलने वाली उस कागज वाली लड़ी से लाख गुना अच्छी होगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस ऑयल को लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, यहाँ पे इस ऑयल को लगाने के बाद हमें यहाँ पे लेना है ग्लू गन। ये देखिए मेरे पास ये ग्लू गन है और इस ग्लू गन के साथ में देखिए इस टाइप की ये हमारी ग्लू लगती है। तो यहाँ पे इस लाइट को बनाने में मुश्किल से एक या दो ही ग्लू का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमें करना क्या है वो देख लो, यहाँ पे हमारी जो ग्लू है इसकी अच्छे तरीके से मेल्ट होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये लाइट बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या है कि जो इसकी ग्लू है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा इसकी जो ग्लू है उसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा हम निकाल लेंगे क्योंकि कई बार ना ये थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमें जो हैप्पी दिवाली है उसके एक एक शब्द को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे इस ग्लू गन की मदद से। यहाँ पे सबसे पहले हम एच लिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे एच लिखना है। ये देखिए फटाफट ये काम करना है, थोड़ी सी हम मोटी लेयर यहाँ पे चढ़ाएंगे, ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से पहला अक्षर हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, फटाफट ये काम करना है। यहाँ पे हमें एलईडी लेनी है, ये देखिए आरजीबी एलईडी है, इसको हम इस तरीके से लेंगे। और एक दूसरी जो आरजीबी एलईडी है इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये हमने लिया, ठीक है, इस तरीके से लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ग्लू को और डालेंगे, ये इस तरीके से हम ग्लू को और डालेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मोटी लेयर हमें बनानी है, यहाँ पे भी हम थोड़ी सी ग्लू को और डाल देते हैं ताकि एलईडी हमारी यहाँ पे चिपक जाए। और ये देखिए ये हमारा पहला अक्षर तैयार हो गया। अब इसी तरीके से फ्रेंड उसके बाद हम ए लिखेंगे, तो ए लिखने के लिए फिर से हमें क्या करना है, देखिए इसके स्टैंड को हम हटाते हैं, यहाँ से ए लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं, ये इस तरीके से हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि मेरी जो ग्लू वाली रोड है वो अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं और बीच में हमारा ये ऐसे डंडा आ जाएगा, ये देखिए आ गया। अब उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एलईडी को लेना है, ये देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे एलईडी को, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू को और डाल देंगे,
ये देखिए दो अक्षर हमारे तैयार हो गए। इसी तरीके से फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, पी लिखना है, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे इस तरीके से, गुलू को नीचे तक लाएंगे, ये देखिए इस तरीके से ले आए, और उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसे पी बना देना है। देखिए मेरी जो राइटिंग है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। और ये देखिए एक एलईडी हम यहाँ पे लेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू को और डालेंगे, और इस तरीके से हम एक लेयर और बना देंगे। तो ऐसे आपको अपने हिसाब से देख लेना है, जितनी लेयर आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पी बन गया। उसके बाद फिर से हम एक पी बनाएंगे, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने सीधी ये लाइन खींची, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें पी बनाना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम पी बनाएंगे, और यहाँ पे ये जो एलईडी है इसको हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लेयर को हम चढ़ा देंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें करना है, और थोड़ा सा इसे हमें मोटा कर लेना है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा पी भी हो गया। अब उसके बाद हमारा बचता है यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे हमें वाई लिखना है। तो वाई लिखने से पहले देखिए साइड में थोड़ी सी ग्लू वगैरह गिर गई है, इसको हम हटा लेते हैं, ये मैंने हटा लिया। अब उसके बाद हमें वाई लिखना है, तो वाई लिखने के लिए देखिए फ्रेंड फिर से हम एक एलईडी पहले लेके रखेंगे, यहाँ पे हम वाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सीधी लाइन ऐसे ग्लू की बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये देखिए ये हमारा वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हम एक एलईडी को यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद एक एलईडी और लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और फिर से हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू को डाल देंगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इतना हमारा ये हैप्पी बन गया है। अब उसके बाद हमें दिवाली लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये जब सूख जाएगा ना, तो पहले मैं आपको इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम दिवाली भी लिखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड इसकी जो ग्लू है वो सूख गई है। अब देखिए इसे निकालना कैसे है, बिल्कुल प्यार से आपको निकालना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको निकालना है। आपको इस टाइप का कोई भी चक्कू वगैरह ले लेना है, ठीक है, कोई भी पतली चीज आपको लेनी पड़ेगी, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे डाल के इसे आराम आराम से ऐसे बाहर निकालना है। अगर आप धक्का मुक्की करोगे इसके साथ तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये हमारी टूट जाएगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको आराम आराम से इसे ऐसे निकाल लेना है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड ये हमारा एच है, ये निकल गया हमारा, इसको हम साइड में रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये देखिए ये हमारा ए है, इसको भी देखिए इसी तरीके से हमें निकालना है बिल्कुल प्यार से। तो यहाँ पे आपको जोर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, इस तरीके से बिल्कुल प्यार से ये काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ये हमारा टूट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ए बन गया। और उसके बाद ये पी है, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पी है ये भी इस तरीके से निकल गया, ये देखिए ये हमारा पी है। उसके बाद ये हमारा दूसरा पी आ गया, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड अगर हमने यहाँ पे तेल नहीं लगाया होता ना, तो ये जो है ये इतने आराम से निकलता नहीं, ये इसके साथ ही चिपक जाता और टूट भी जाता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने ऑयल लगाया है। और उसके बाद ये वाई है, इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ये देखिए ये हमारा वाई भी बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रह गया हमारा दिवाली, तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा हम इस तरीके से फिंगर से इसको तेल को फैला देंगे दोबारा से, ठीक है, ये हमने फैला दिया। अब हमें लिखना है दिवाली, ठीक है, तो चलिए अब हम दिवाली लिख लेते हैं। तो दिवाली के लिए देखिए इस तरीके से पहले ये पुराने वाले ग्लू को हमें हटा लेना है, यहाँ पे हम डी लिखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं,
देखिए मेरी जो राइटिंग है इतनी अच्छी तो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया हमारा डी, ये देखिए। ये हमारा डी हो गया और फटाफट हमें एलईडी लेनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम एलईडी को लगाएंगे और यहाँ पे ग्लू को थोड़ा सा और डालना है। जहाँ पे आप एलईडी लगा रहे हो ना वहाँ पे ग्लू होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आई बच गया, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये सीधा सीधा हमारा आई बन गया और यहाँ पे हम एलईडी ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारी एलईडी है, इसको हम ऐसे लेंगे और फिर से इस एलईडी के ऊपर थोड़ा सा ग्लू डाल के इसे सीधा सीधा ऐसे डाल देंगे। ये हमारा आई भी हो गया। अब उसके बाद फिर हमें डब्लू लिखना है, तो चलिए डब्लू भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हम ऐसे करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, उसके बाद ये हो गया हमारा W। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा W हो गया। तो इसके अंदर हम दो LED का यूज करेंगे, एक को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद फिर से हमें इसी के ऊपर ग्लू को ऐसे एक बार दोबारा से डाल देना है। ये देखिए ये हमारा हो गया W। उसके बाद हमें लिखना है A, ठीक है? तो A लिखने के लिए फिर से हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम LED लेंगे, ये LED को हम यहाँ पे डालते हैं और इसको पहले हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये बीच में मैंने डंडा लगा दिया और उसके बाद फिर से यहाँ पे एलईडी के ऊपर ग्लू को डालते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, और ये एक लाइन हम बना देंगे। तो ये हमारा ए भी बन गया है। अब उसके बाद फिर हमारा रह गया है एल, तो चलिए एल को भी बना लेते हैं। फ्रेंड हमें एल बनाना है, तो यहाँ पे हम एलईडी को लगाएंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर से इसके ऊपर ग्लू को डालेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारा एल हो गया। और उसके बाद फिर से हम एक एलईडी लेंगे और यहाँ पे हम लास्ट इसका जो अक्षर है या शब्द है इसको बना लेंगे आई। यहाँ पे सीधा सीधा हम इसे इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ पे इसे लगा देंगे। यहाँ पे ये बन गया हमारा आई। तो पूरा हमने दिवाली लिख लिया फ्रेंड, ग्लू गन की मदद से हमने लिखा है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सूखने देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे भी निकालेंगे। हमें एक एक अक्षर को फिर से उसी तरीके से निकालना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम आराम आराम से इसको निकालेंगे। ये हमारा यहाँ पे जो डी है वो निकल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो डी है ये निकल गया, ठीक है? और उसके बाद ये हमारा आई हो गया, तो आई को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा आई हो गया और उसके बाद ये हमारा हो गया डब्लू, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आराम से हमें से निकालना है। ये एक साइड से निकल गया, ये दूसरे साइड से भी निकल गया। उसके बाद ये हो गया हमारा ए फॉर एप्पल, तो इसे भी हम इसी तरीके से आराम आराम से निकालेंगे। ये हमारा ए फॉर एप्पल हो गया। ये हो गया हमारा एल, ठीक है? एल फॉर लॉयन, ठीक है जी?
ये एल हो गया और ये हो गया हमारा आई, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जितने भी हमारे ना यहाँ पे, सबसे पहले तो इसे कपड़े से साफ कर लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो एलईडी है इनके हम कनेक्शन करेंगे। तो मैं एक बार इसे पहले साफ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने टाइल के ऊपर से तेल को साफ कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे सभी अक्षर को हमें दोबारा से जचाना है, जैसे कि ये हमारा एच हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन के बराबर ही आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम ए लेंगे, ये हमारा ए हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पी आएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे डबल पी आ गए। इस तरीके से आपको पहले इसे बराबर से रख लेना है, ये काम आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बराबर से इसे रख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा वाई आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ये हमारा हैप्पी हो गया ना। तो इसकी जो एलईडियां हैं यहाँ पे, मैं एक बार आपको बता दूं किस तरीके से आपको कनेक्शन जोड़ना है। देखिए जब हम इस टाइप की कोई एलईडी लेते हैं, इस टाइप की जब हम एलईडी लेते हैं मार्केट से, तो इसके अंदर आपको एक लेग छोटी मिलती है, एक लेग बड़ी मिलती है। तो ये जो छोटी वाली लेग होती है ये माइनस की होती है और बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की होती है। तो हमें क्या करना है, जितनी भी एलईडी लगी है ना, तो सभी की जो छोटी छोटी वाली लेग हैं उनको एक साथ एक वायर के साथ जोड़ देना है और जो बड़ी वाली है उनको एक साथ एक वायर के साथ में जोड़ देना है। और यहाँ पे वायर को जोड़ने के लिए मैं इस टाइप की जो कॉपर वायर आती है ना फ्रेंड, ये देखिए ये कॉपर वायर आती है मार्केट में, आपको इजिली मिल जाएगी, जो पंखा वगैरह रिपेयर करते हैं, तो इस वायर का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर ना पॉलिश चढ़ी होती है, तो अगर ये वायर आपस में इस तरीके से टच भी हो जाती है तो इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि जब इसके अंदर हम सोल्डिंग करेंगे तो इसकी पॉलिश को उतार के हम सोल्डिंग करते हैं, इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी रहती है, तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं रहता। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इन नाम को एक साथ जोड़ के कनेक्शन कर लेता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे मैंने सभी एलईडी का कनेक्शन कर लिया है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा भी दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारी एक एलईडी है, तो एलईडी की जो माइनस वाली लेग है उसके साथ में तो ये मैंने मोटी वाली कॉपर की वायर को जोड़ा है। यहाँ पे इसी वायर के साथ में सभी एलईडी की माइनस वाली वायर जुड़ी हुई है और यहाँ पे ये जो प्लस वाली वायर है इसके साथ में मैंने पतली जम्फर वायर का यूज किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पैरेलल में कनेक्शन करे हैं। तो ये लाइट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इस लाइट को हम जला के देखते हैं कि अंधेरे में ये लाइट लगती कैसे है। तो इसे जलाने के लिए देखिए फ्रेंड, आप इस टाइप का कोई भी पुराना मोबाइल चार्जर ले सकते हो। अब मेरे पास ये चार्जर है और इसकी जो आगे की पिन है वो चूहे ने काट दी थी, तो यहाँ पे हम इसी चार्जर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मोबाइल में तो यूज होगा नहीं। ये वायर है एक्स्ट्रा, इसको हम थोड़ा सा काट के छोटा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो दो वायर है ना, तो इसका कनेक्शन आप बीच में या साइड में कहीं पे भी कर सकते हो। मैं साइड में इसकी वायर को जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाली जो वायर है ये हमारी माइनस की है, तो हम इसी हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ये देखिए ऊपर वाली वायर है ये माइनस की है, तो यहाँ पे हम ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे। और ये जो नीचे वाली वायर है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था जम्फर वायर जुड़ी है, ये प्लस की है, तो इसके साथ में हम ये रेड वाली वायर को जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस दोनों के कनेक्शन कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप साइड से कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हो, ये मैंने कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इस लाइट को जला के दिखाता हूँ कि ये लगेगा कैसे अंधेरे में। तो इस तरीके से देखिए, आप इसे उठा के ऐसे टांग भी सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल मैं एक बार आपको ऐसे दिखा दूं और उसके बाद फिर मैं आपको टांग के भी दिखाऊंगा कि ये लाइट हमें कैसे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं चार्जर से सप्लाई दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने वायर को जोड़ दिया है। अब आपको देखिए इसके अंदर ये सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आपको कुछ मजा नहीं आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ऊपर वाली लाइट को एक बार बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर दिया है और अब आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो हैप्पी दिवाली है कितने बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। इसको देखिए, मैं उठा के दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि जब आप इस लाइट को अपने दरवाजे के बाहर टांगोगे ना, तो लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसी बनी बनाई लाइट आपको मिलने वाली नहीं है। और ये जो लाइट है ये बहुत कम पैसे के अंदर हमने तैयार करी है, मुश्किल से इसके अंदर 10-20 रुपए का खर्चा आया होगा और ये लाइट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड, इस दिवाली पे आप इस लाइट को जरूर बना के यूज करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।